मुझे आपसे बस एक सवाल ये करना है ब्रीफली, और वो ये है कि आप जैसा बेबाक निडर आउटस्पोकन, अगर हम अपने मुल्क में कोई लीडर कोई नेता समझें, तो आप जैसा एक नौजवान जिसमें ये जिंदगी लड़ने का एक जज्बा है, आपने सब छोड़ दिया, आपने क्यों छोड़ा? वी आर यू आर अकाउंटेबल टू अस। मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। राजनीति छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने लड़ाई लड़नी बंद कर दी है। ये किताब इस बात का प्रमाण है कि मेरी लड़ाई जारी है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, जानें, समझें कि कौन से लोग आज शासन में हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। हमको नहीं पता इस बारे में। मैंने कहा ना कि मैं बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से मैंने बात की, उनको पता ही नहीं है कि इनकी थिंकिंग क्या है, इतिहास के बारे में उनकी धारणा क्या है। मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है। आप कैसे उस ताकत से लड़ेंगे जिस ताकत के बारे में आपको अंदाजा ही नहीं है? आपको लगता है कि ये कुछ 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 सिरफरे लोग नहीं है। इनका एक प्रोजेक्ट है जो 1925 से शुरू हुआ है, और वो प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान के हिंदू धर्म को बदलना, उसको बिल्कुल एक कंजर्वेटिव सोच में लाके तब्दील कर देना। ये कौन लोग हैं जो 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 खुलेआम किसी आदमी का को मॉब लिंचिंग कर देते हैं? अभी आज देखिए, कल की परसों की घटना है। ये कौन है प्रज्ञा सिंह? आप सोच सकते हैं कि उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो उसको कैंडिडेट बना देगी? ये कौन है? मैंने तो नहीं सोचा था कि आप किसी आतंकवादी को मालेगांव के अंदर 12 साल लोग जेल के अंदर रहे, उनके बाद बाइज्जत बरी हो गए, उनको कोई टिकट दे दे तो मैं जानू। कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे के देख ले। बेगुनाही के बावजूद भी उनको आज भी आतंकवादी माना जाता है। और यहां खुलेआम एक आतंकवादी घटना हुई है। एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने कोर्ट के अंदर कहा, स्पेशल कोर्ट के सामने कहा कि प्रज्ञा सिंह जी ये जो हैं, ये क्लीन चिट, इनको इनके पास सबूत नहीं। अदालत ने कहा नहीं, सबूत हैं, इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। अदालत का फैसला है ये कि इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, ये अदालत ने कहा। फिर ये झूठ बोल के बाहर आई है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है और मैं चल नहीं सकती बिना किसी सहारे के। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है, अगर आप चल नहीं सकती हैं, तो आप तस्वीरें देख लीजिए। आपको लगता है कोई बीमार है? इस बिना पे इनको जमानत मिली। तो ये कौन से फोर्सेस, ये हमको समझना पड़ेगा। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इनको काउंटर नहीं कर सकते। आप निश्चिंत रहिए, लड़ाई ये चलेगी। भागने वाले में से मैं नहीं हूं, और आप जैसे लोग हैं मेरे साथ।